दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही खूबसूरत कंट्री के बारे में जिसका नाम है स्वीडन। नॉर्दर्न यूरोप में बसा यह देश ऑफिशियली किंगडम ऑफ स्वीडन बुलाया जाता है और ये सुंदर सा देश ज्यादातर समुद्र से घिरा हुआ है। इसके अलावा इसके वेस्ट में नॉर्वे, नॉर्थ वेस्ट में फिनलैंड आता है। साथ ही समुद्र पर बने एक पुल की मदद से स्वीडन को डेनमार्क देश से भी जोड़ा गया है। एक समय था जब नॉर्वे देश और स्वीडन कंट्री को एक ही माना जाता था, पर 1 जनवरी 1995 को यूरोपीय यूनियन ने स्वीडन को अपना मेंबर बना लिया। इसके बावजूद स्वीडन ने अपनी करेंसी को यूरो में चेंज नहीं किया, बल्कि इस देश ने वही पुरानी करेंसी चलन में रखी। स्वीडन की करेंसी को स्वीडिश करेंसी कहा जाता है, जो 1 क्रोन बराबर 8.75 रुपए बनते हैं। दोस्तों इस देश में फोन पर बात करने के लिए आपको कॉलिंग कोड +46 लगाना होगा और स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है। ये शहर राजधानी होने के अलावा स्वीडन की सबसे बड़ी सिटी भी मानी जाती है। दोस्तों इस शहर की स्थापना 13वीं शताब्दी में कर दी गई थी। स्वीडन लगभग 4,50,295 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है और ये देश एरिया के मुताबिक वर्ल्ड का 55वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों इस देश की टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ 1 लाख के करीब भी नहीं गई। यहाँ पर बोले जाने वाली भाषा को साथ ही इसी भाषा को सोनास्का भी कहा जाता है और स्वीडिश भी कहते हैं। इस देश में क्रिश्चियन सबसे ज्यादा रहते हैं। दोस्तों यहाँ की सरकार हाई स्कूल के विद्यार्थी को प्रतिमाह लगभग 1700 रुपए देती है, ताकि बच्चे की पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई कमी ना आ सके। इसके अलावा यहाँ छोटे बच्चों के साथ मारपीट करना या फिर उन्हें मारना एक अपराध माना जाता है, जिसके लिए जुर्माना भी हो सकता है और जेल भी। स्वीडन और फिनलैंड के बॉर्डर पर एक ऐसा गोल्फ ग्राउंड है जो आधा स्वीडन और आधा फिनलैंड में आता है, मतलब इस ग्राउंड में खेलते हुए आप दोनों देशों में जा सकते हैं। साल 2009 में जब कई नए कानून स्वीडन के लोगों पर लागू किए, तो दोस्तों स्वीडिश को स्वीडन की राष्ट्रीय भाषा बनाया गया। इसके बाद ही पूरे देश में ये भाषा बोली जाने लगी। इससे पहले यहाँ इंग्लिश को ही नेशनल लैंग्वेज का सम्मान मिला हुआ था। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम सिटी 14 आइलैंड से मिलाकर बनाई गई है और इस शहर का सेंटर हमेशा पानी से भरा रहता है। इस देश में अब तक 31 नोबेल प्राइजेस अपने नाम किए हैं। दोस्तों स्वीडन के 1 करोड़ लोगों में से लगभग 18 लाख लोग 18 साल से भी कम उम्र में आते हैं। यहाँ के हर 5 में से एक व्यक्ति का रिश्ता दूसरी कंट्री में होता है, इसीलिए स्वीडन की 15% आबादी अलग कंट्री में जाकर बस चुकी है। साल 2006 में 76,27,000 टूरिस्ट ने यहाँ पर विजिट किया था, जिसे उस समय वर्ल्ड में 21वें सेंचुरी का सबसे ज्यादा पॉपुलर देश माना गया था। इसके अलावा साल 2016 में ये टूरिस्ट लगभग 14 लाख हो गए थे। ये देश भारत के समय के अनुसार 3.30 घंटे यानी कि 3.5 घंटे पीछे है। वर्ल्ड पासपोर्ट रैंकिंग के अनुसार स्वीडन का पासपोर्ट 8वें स्थान पर आता है और स्वीडन के पासपोर्ट से ही वर्ल्ड की आधी से ज्यादा कंट्रीज को घूमा जा सकता है। दोस्तों साल 1974 में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम इल सुंग ने लगभग 1000 कारें खरीदी थी, जिन्हें स्वीडन ने नॉर्थ कोरिया को एक्सपोर्ट भी कर दिया था, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने आज तक इन कारों का 1 भी रुपए स्वीडन को नहीं दिया है। इस देश में बर्थ रेट 30% है, जो दूसरी कंट्रीज के मुकाबले काफी कम है। यहाँ पर जब कोई माँ बाप बनता है या बच्चा गोद लेता है, तो स्वीडन की सरकार इन्हें 15 महीने की छुट्टियां देती है, ताकि माता पिता अपने बच्चे को प्यार दे सकें। लेकिन महिलाओं को काफी खुले विचारों वाली महिला माना जाता है। स्वीडन की महिलाओं को काफी खुले विचार वाली महिला भी माना जाता है और अपने देश में ये महिलाएं पुरुषों से भी अधिक महत्व रखती हैं। इसके अलावा इन्हें रात में एंजॉय करना काफी पसंद होता है, तभी तो राजधानी स्टॉकहोम की सड़कों पर रात के समय काफी चहल पहल देखी जा सकती है। यहाँ पर वैश्यावृत्ति कानूनी रूप से इलीगल है, पर कई स्वीडिश महिलाएं इस काम को अपनी मर्जी से करती हैं। तो दोस्तों स्वीडन के बारे में अमेजिंग नॉलेज और अमेजिंग फैक्ट आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।